जय हिंद। आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत। आज का वीडियो देखने सुनने वालों को तहे दिल से शुभकामनाएं। 26 जनवरी की जो आपने मनाई और देखी देश दुनिया ने, उसको नए तरीके से हम लोगों ने मनाई 26 जनवरी, उन सभी के लोगों को बहुत बहुत दिल से सलाम मेरा। ठीक है, आज का वीडियो 26 जनवरी पर नहीं है। 26 जनवरी के दिन देश की राजधानी दिल्ली में जो घटना घटी, और पिछले 2 से 3 महीने में या कहूँ पिछले 6 महीने में जो कुछ हो रहा है देश के किसानों के साथ, या सरकार कर रही है या किसान करवा रहे हैं, इन सभी विषयों को लेकर समाप्त हो रही है एक कन्वेंशनल डिबेट प्रतियोगिता। जी हाँ, एक कन्वेंशनल डिबेट कंपटीशन, जिसकी सूचना आपको मिलने वाली है इस वीडियो में, और आप समझ ही गए होंगे इसका टॉपिक लगभग क्या हो सकता है। ठीक है, टॉपिक पे जाने से पहले और डेट से जाने से पहले कुछ नियमों को आप सुन लीजिए। ठीक है, सबसे पहली चीज, बिना टीम के आप इस इवेंट में शामिल नहीं हो सकते हैं। क्रॉस कॉलेज टीम अलाउड नहीं है, और यह इवेंट केवल इंटर यूनिवर्सिटी है, यानी कि एक ही यूनिवर्सिटी के बच्चे शामिल हो सकते हैं। यूनिवर्सिटी का नाम आपको पता चल ही चुका है, और आपको अपनी बात रखने के लिए मिलेगा 2.5 मिनट का समय। 1 मिनट का समय मिलेगा आपको ऑडियंस के या पार्टिसिपेंट्स के या जजेस के सवालों के जवाब देने के लिए, और यही क्रम आपका रहेगा आपके टीम पार्टनर का, यानी कि 3 से 4 मिनट का आपको समय मिलेगा अपनी बात को रखने के लिए। और एक विशेष बात का याद रखिएगा, अपनी बात को रखते वक्त में चाहे आपके तर्क हों या तथ्य हो, अब किसी भी प्रकार की मर्यादा का उल्लंघन मत कीजिएगा। संसद की गरिमा को बनाए रखिएगा। किसी भी सरकारी व्यक्ति, विशेष पद वाले व्यक्ति का अपमान नहीं कर सकते हैं। किसी भी रूप में सेना का और फार्मर का अपमान नहीं कर सकते हैं, चाहे आप निजी रूप से आपके कितने ही मतभेद या मनभेद क्यों ना हो। आप किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का या किसी भी नेशनल इंस्टीट्यूट का या गवर्नमेंट के निजी रूप से आप शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जो बातें मैंने आपको बताई पिछले 40 सेकंड में, यदि इस किसी का उल्लंघन करते हैं तो प्रतियोगिता से हो सकता है आपको ऑन द स्पॉट डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए या आपको ब्लॉक कर दिया जाए, आप प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। एक टीम में 2 लोग होंगे, एक विषय के फेवर में, एक विषय के अगेंस्ट में। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। एक बहुत ज़रूरी चीज कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर इस प्रतियोगिता में आपको प्रतिभागी होने का मौका मिला है, लेकिन फिर भी एक चीज़ को आप लोग समझ लीजिए कि जैसे ही प्रतियोगिता में 14 टीमें रजिस्टर हो जाएंगी, जी हाँ, जैसे ही प्रतियोगिता में 14 टीमें रजिस्टर हो जाएंगी, रजिस्ट्रेशन का लिंक क्लोज हो जाएगा। यानी कि जो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वह ओपन तो होगा लेकिन लिखा हुआ आएगा रजिस्ट्रेशन इज क्लोज। इसका मतलब समझ लीजिए कि 14 टीमों का रजिस्ट्रेशन फुल हो चुका है और आप हो चुके हैं लेट, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने की कोई लास्ट डेट नहीं दी गई है नोटिफिकेशन में। ठीक है, लेकिन जैसे ही 14 टीमें हो जाएंगी, आपका रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा और आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अब चलते हैं और ज़रूरी चीज़ों पर। सबसे पहली बात, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यह प्रतियोगिता होगी। इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का माध्यम रहेगा गूगल मीट। प्रतियोगिता होनी है 6 फरवरी 2021, समय है सुबह 11 बजे। 6 और 7 फरवरी को और भी कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, जिसकी सूचना मैंने भी आपको दी है, और भी जगह आपको पता लग रहा है, तो टाइम मैनेज करके चलिएगा। अगर आपको एक से अधिक प्रतियोगिताओं में, क्योंकि जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में था, ये मेरे बहुत से साथी दिल्ली विश्वविद्यालय में थे ड्यू में, हम एक दिन में 3 से 5 डिबेट किया करते थे। वह होता है टाइम को मैनेज करना, अपने आप को मैनेज करना, और अपने आप को विषय के अनुसार कंटेंट के अकॉर्डिंग तैयार करना। यदि आपको लगता है एक से अधिक विषयों पर एक ही दिन में आप बोल सकते हैं, तो अपने आप को मेंटली रूप से स्ट्रांग रखिए और फिजिकली रूप से जरूर स्ट्रांग रखिए। लेकिन ऑनलाइन माध्यम से होना है तो कोई फिजिकल तो ट्रैवल करना नहीं है, खाली आपको लिंक चेंज करना है, प्लेटफॉर्म चेंज करना है। कुछ गूगल पे होंगी, कुछ जीमेल पे होंगी, कुछ क्लाउड पे होंगी, वो चेंज करना है। लेकिन एक दिन में एक से अधिक प्रतियोगिताएं भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आप ही ने एक दिन में 2 से 3, 3, 4, 5 पर वेबिनार भी अटेंड किए हैं, तो कंपटीशन कौन सी बड़ी चीज है। वैसे भी वेबिनार की तरह आपको ऑनलाइन तो रहना नहीं, 2-3 मिनट इवेंट्स है, 15-20 मिनट अपनी बात को रखिएगा, 5 मिनट अपनी बात को रखिएगा, अपने पार्टनर की बात को सुनिएगा, 2-3 लोगों को सुनिएगा, एग्जिट हो जाइएगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर ऐसा नियम में हुआ तो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरा सजेशन है। ठीक है, 6 फरवरी को 11 बजे गूगल मीट पर होना है। और हाँ, इसको करवा कौन रहा है वो सुन लीजिए, मैं सर भूल गया, विषय मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, और कुछ बातें विषय के
के विषय के बारे में आपको बताऊंगा, यानी कि टॉपिक के विषय पर कुछ बात करेंगे। श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज, जिसे हम देवनगर खालसा कॉलेज बोलते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय का एक प्रतिष्ठित कॉलेज है। मैं 3 से 5 बार इस विश्वविद्यालय में गया हूँ। 2 इवेंट्स अच्छा रहा है कॉलेज। वैसे दिल्ली में 3 खालसा कॉलेज हैं, ये उसमें से करोल बाग में स्थित ये कॉलेज, इसका नाम है देवनगर खालसा, यानी गुरु नानक, सॉरी क्षमा कीजिए, श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज। उसमें ये कॉम्पिटिशन हो रहा है। इसकी एक सोसाइटी है, इकोनॉमिक्स की एक सोसाइटी, जिसका नाम है कीर्ति, जी हाँ, कृत सोसाइटी है, इकोनॉमिक सोसाइटी है, वही इस इवेंट को करवा रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगली चीज पर। विषय यानी कि टॉपिक है इसका, जैसे कि मैंने कल कहा ना, कल जो घटना घटी है देश में, या कल से मतलब परसों 26 जनवरी को, उससे इसका संबंध है, और पिछले 6 महीनों से देश में जो घट रहा है उससे भी इसका संबंध है। थोड़ा सा और पीछे जाएंगे तो 2016 से इसका संबंध है, थोड़ा सा और पीछे जाएंगे तो 2006 से भी इसका संबंध है, थोड़ा सा और पीछे जाएंगे तो 1991 से भी इसका संबंध है। कैसे कैसे है, थोड़ा इस विषय पर रिसर्च करेंगे, आपको ये चारों टाइम पीरियड कनेक्ट हो जाएंगे अपने विषय में, जो मैंने आपको टाइम बताया। याद रखिए, मैंने विषय के अंदर क्या आपको बोलना है, कैसे बोलना है, उसके विषय में कुछ मैंने हिंट दे दी है। अब चलते हैं सीधे टॉपिक पर, जो गुरु नानक देव खालसा कॉलेज की इकोनॉमिक सोसाइटी के द्वारा आयोजित इवेंट 6 फरवरी को आपके समक्ष रखा गया है। टॉपिक है MSP अंडर फॉर्म्स लॉ बॉन और बैन फार्मर्स, यानी के जो MSP, हिंदी में बोलो, इंग्लिश से बोलो, आप समझ चुके हैं, बहुत समझदार लोग हैं, और इस समझदार लोगों का इस सभ्य समाज में मौका दिया गया है। उस किसान बिल के अंतर्गत एक क्लॉज जो दिया गया था, एक बिल था, उसके अंदर भी था MSP वाला नियम, जिसको लेकर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया, सरकार ने अपनी बातों को रखी, अपने पक्ष विपक्ष रखा, मीडिया ने दिखाया, आपने भी सुना। लेकिन हमारे जैसे और आपके बहुत से विश्वविद्यालयों के बच्चों का यही एक छोटा सा अफसोस था कि किसान बिल पर हमें अपनी राय रखने का मौका नहीं मिला। हम कभी ट्वीट करते हैं, कभी फेसबुक करते हैं, कभी यूट्यूब पे लाइव कर देते हैं, किसी दोस्त से शेयर कर लेते हैं, लेकिन हमें एक नेशनल मंच पर मौका नहीं मिला अपनी बात रखने का, एक किसान बिल के समर्थन में या विपक्ष में। अब आपको दी इकोनॉमिक सोसाइटी, श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज, ये मौका दे रही है अपनी बात को रखने का, उन 4 से 5 मिनटों में, कि आप क्या समझते हैं, सोचते हैं MSP अंडर फार्म्स लॉ को लेकर। ये बॉन है या बैन होना चाहिए फार्मर्स के लिए, इस पर अपनी रखिएगा 3 से 4 मिनटों में। टीम में जाइएगा, क्रॉस टीम लेकर मत जाइएगा, एक कॉलेज से 2 बच्चे जा सकते हैं, और लेकिन 2 टीम जानी है, 1 टीम जाना है, इसके लिए दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर बात कर लीजिएगा, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिए हैं। ठीक है, और हाँ, और कुछ छूट गया, हाँ एक चीज, भाषा इस डिबेट कॉम्पिटिशन की, और ये CD है, याद रखिएगा, ये CD है, PD नहीं है, नॉट ए पार्लियामेंट्री डिबेट, दिस इज अ कन्वेंशनल डिबेट, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए पॉइंट टू पॉइंट अपनी बातों को रखिएगा, PD की तरह डिस्क्राइब मत कीजिएगा चीज़ों को, सीधा सटायर मारिएगा, सटायर मारना है, पॉइंट टू पॉइंट रखिएगा। यदि 5 मिनट दिए हैं तो 5 पॉइंट बोलिए, और 5 पॉइंट को इतना तर्क और तथ्य के साथ बोलिए कि आपके एविडेंस भी हो, उसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी हो, और आपका वर्तमान और भविष्य का दर्शन उसमें जो फिलॉसफी है वह भी दिखे। और विषय थोड़ा टेक्निकली है, विषय थोड़ा एग्रीकल्चर को लेकर है, विषय थोड़ा आपसे इकोनॉमिक्स की भी डिमांड करेगा, और विषय आपसे थोड़ा लॉ की भी डिमांड करेगा, इसीलिए थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। यदि फिर भी आपको कुछ समझ में दिक्कत न आती है तो कमेंट करके अपना ईमेल ID दीजिएगा, मेरे पास जो साक्ष्य हैं, जो प्रमाणिक कुछ जानकारियां हैं, बिल की कॉपी है, वह ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, आपको हेल्प मिलेगी। लेकिन हिंदी में होगा ज़्यादा मैटर, इंग्लिश में कम होगा, और ये डिबेट कॉम्पिटिशन ओनली फॉर इंग्लिश में होगा, हिंदी में नहीं होगा, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। एक और वीडियो में आपसे बात करेंगे एक और डिबेट कॉम्पिटिशन के विषय में, उससे पहले शायद एक वीडियो आपको मिलेगा एक आर्टिकल राइटिंग को लेकर। यदि आप आर्टिकल लिखते हैं, आर्टिकल निबंध जिसे बोलते हैं, SS बोलते हैं, वह लिखते हैं, उसको लिखने में इंटरेस्ट है, तो 2 विषय पर आपको आर्टिकल लिखकर भेजना है 31 जनवरी 2021 तक, ईमेल के माध्यम से। प्राइज मनी भी अच्छा है, लगभग 1000 शब्दों में लिखकर भेजना है, और प्लेगरिज्म का ध्यान रखते हुए भेजना है। यदि उसमें आपको इंटरेस्ट रखते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, उस पर आपको वीडियो मिल जाएगा कल की डेट में, यानी कि 28 जनवरी और 29 जनवरी को, क्योंकि 2 दिन में आप लिख लेंगे, 1000 वर्ड में आपको लिख के देना है। यह वाला जो वीडियो था यह आर्टिकल के लिए नहीं था, एक CD के लिए था, कन्वेंशनल डिबेट के लिए था। आप सभी जानते हैं, बिल में आपको फिर बता दूं टॉपिक क्या है, टॉपिक है MSP अंडर फार्म्स लॉ बॉन और बैन फॉर फार्मर्स, 6 फरवरी 2021, समय सुबह 11 बजे,
प्लेटफॉर्म गूगल मीट, भाषा अंग्रेजी, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन है। दिल्ली विश्वविद्यालय का कोई भी कॉलेज हो, किसी भी कैंपस का हो, मॉर्निंग का हो, इवनिंग का हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, लॉ हो, एजुकेशन हो, मेडिकल, नॉन मेडिकल, मैनेजमेंट हो या इकोनॉमिक्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप शामिल हो सकते हैं। लेकिन 14 टीमें ही शामिल हो सकती हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। वह आपका नाम 14 टीम के अंदर आएगा या बाहर आएगा, ये आपको तय करना है। कृत इकोनॉमिक्स सोसाइटी देवनगर खालसा कॉलेज आपको बुला रही है इस बैटल पर अपनी बातों को रखने के लिए। जाइए, प्रतिभागी होइए, और जो रहेगा परिणाम कम से कम मुझे बता दीजिएगा कि फ्यूचर के लिए आपको किस किस विषय पर और किस किस तरह का गाइडेंस चाहिएगा। सुधार कर देंगे कंटेंट में। डिबेट और पार्लियामेंट्री का दौर चालू हो चुका है, अभी डिबेट की इन्फॉर्मेशन मिल लीजिए। कुछ ही दिनों के बाद आपको पार्लियामेंट्री की सूचनाएँ मिलेंगी, और यदि विश्वविद्यालय नहीं खुलेगा तो हम अपने तथ्यों को छोड़ देंगे। यदि हम तथ्य कहीं से प्राप्त करेंगे तो तर्क की भूमि पर उसको हम रखेंगे मंचों से, और जब जाते हैं इंटरनेट पर चीज़ें, क्योंकि जैसे गूगल मीट पर है, और यदि गूगल मीट पर है तो आप भी अपने फ़ोन की स्क्रीन को रिकॉर्ड करिए, अपने वक्तव्य को रिकॉर्ड करिए, और लोगों के वक्तव्य को भी रिकॉर्ड करिए, और उसको डालिए यूट्यूब पर, और पहुँचाइए देश के समक्ष, किसानों के समक्ष, सरकार के समक्ष, गाँव के लोगों के समक्ष। जो भी इंटरनेट का यूट्यूब पर यूज़ करते हैं वह भी जाने समझे कि देश का युवा इस किसान बिल पर क्या समझता है, क्या सोचता है। MSP होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या बैन होना चाहिए कि बॉन होना चाहिए, और ये लॉ के तहत कितना सही है कितना गलत है, अपनी राय को रखने का मौका आपको मिला है। पूर्व के वीडियो में मैंने आपसे बात की थी एक किसान बिल को लेकर भी, यदि उस वीडियो को नहीं देखा तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन उसका लिंक आपको दे दूंगा, और उसमें भी आप हो सकते हैं प्रतिभागी शामिल। उसकी भी डेट अभी है रजिस्ट्रेशन करवाने की, उसमें भी हो जाइएगा शामिल, इसमें भी शामिल हो जाइएगा, और रखिए अपनी बात अपने उस वैश्विक दृष्टिकोण के साथ, क्योंकि किसान बिल या MSP वाला जो मुद्दा चल रहा है ये भारत तक नहीं विदेशी धरती तक जम चुका है, और अगर ये वहां जमा है तो आप भी अपने तर्कों तथ्यों के साथ मौजूद रहिए और अपनी मौजूदगी दर्ज कीजिए। जो 1891 सितंबर 11 को विवेकानंद ने शिकागो की धर्म सभा में एक अकेले व्यक्ति ने भारत का प्रतिनिधित्व किया, तब दुनिया ने जाना समझा विवेकानंद के माध्यम से क्या है भारत, क्या है भारतीयता, और क्या है भारत का नागरिक होने का गर्व। उस बात को समझते हुए, जानते हुए अपने विचारों को रखिए इस तकनीकी युग में, क्योंकि तकनीकी युग में अपने आप को आप प्रेजेंट करना नहीं सीखेंगे तो किसी भी विश्वविद्यालय, किसी भी स्कूल, किसी भी महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी में पढ़ने का आपको कोई लाभ नहीं है। जी हाँ, क्योंकि जब बच्चा घर से सीखता है तो उसको सीखना सही है या गलत है उसका परीक्षण समाज में जाकर करता है। इसीलिए कॉलेज से, स्कूल से, विश्वविद्यालय से आपने क्या सीखा है, अपने गुरुओं से, अपने दोस्तों से, अपनी पुस्तकों से, अपनी लाइब्रेरियों से, अपने फ्रेंड सर्कल से, उसका परीक्षण आपको सोसाइटी में जाकर करना है। और इस कोविड के दौर में आपकी सोसाइटी आपका इंटरनेट है, इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया में आपके तथ्य भी, आपके तर्क भी पहुँचेंगे और आप भी पहुँचेंगे। तय कर लीजिए आपको शामिल होना है या आपको शामिल होते हुए औरों को देखना है, आपको भीड़ बनना है या भीड़ को अपने पीछे लगाना है, आपको तालियां बजानी है या अपने लिए तालियां बजवानी है, ये भी आपको तय करना है। ये डिबेट कॉम्पिटिशन आपको बुला रहा है, तो चले जाइए, नहीं तो वीडियो को लाइक करके यहां से भी चले जाइए। जय हिंद, जय भारत। एक और वीडियो में आपसे पुनः मिलेंगे किसी डिबेट कॉम्पिटिशन को लेकर या किसी यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस को लेकर। तब तक अपना, अपनों का ध्यान रखिएगा, और तर्क के साथ साथ मानसिक रूप से मजबूत जरूर है, क्योंकि यदि आप मानसिक रूप से मजबूत नहीं रहेंगे, आपके बॉडी का सॉफ्टवेयर ही यदि फेल हो जाएगा तो हार्डवेयर का इलाज कैसे करवाएंगे। चीज को समझे कि नहीं बूझे, बूझ जाएंगे समय आने पर, क्योंकि समय सभी की प्रतीक्षा लेता है, और आप और हम तो हमेशा ही प्रतीक्षा देते हैं। युवा का दूसरा नाम ही है प्रतीक्षा रत नहीं, प्रतीक्षा के लिए तत्पर रहना। जय हिंद, जय भारत, और सलाम इंडिया।